शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, महागठबंधन सरकार ने घोषणा की थी कि हम अपनी प्रथम कैबिनेट बैठक में ही शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। हम उस वादे को याद दिलाने के लिए महागठबंधन सरकार माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को उनके वादे को याद दिलाने के लिए आज हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24 और मैं हूँ यदि आपके साथ। इस वक्त हम गर्दनी बाग के बाहर मौजूद है जहाँ पर तमाम आंदोलन होता है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं यहाँ पर लोग हैं जो आंदोलन पे बैठे हैं। मुद्दा क्या है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ पर 2 दिवसीय आंदोलन पे बैठे हैं, आप लोग किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आंदोलन? आज TET/STT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के बैनर तले बिहार के हजारों हजार शिक्षक NIOA से संबंधित जो प्रशिक्षित शिक्षक थे उनके खिलाफ जो एक तुगलकी फरमान जारी हुआ था प्रधान प्राथमिक शिक्षा निदेशक का, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलनरत लगातार हैं और आज उसी संवेदना को प्रकट करने के लिए आज पटना की धरती पर आए हुए हैं। उसमें यह कहा गया था कि NIOA से प्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने अपनी सारी प्रशिक्षण चर्या 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उनका रिजल्ट जो प्रिंटिंग डेट था वो 22 मार्च 2019 था, तो सरकार के पत्र के अनुसार ये सभी शिक्षक क्योंकि 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित नहीं हुए हैं, इसलिए सभी को सेवामुक्त किया जाता है और फिर जिस तिथि से वो फिर यानी कि प्रशिक्षित हुए हैं उस तिथि से पुनः नव नियुक्त माना जाएगा। इस तरह से बिहार के कम 75,000 शिक्षक जो NIOA से प्रशिक्षित हैं उन्हें 10 साल की सेवा 8 साल की सेवा का नुकसान हो रहा है, उन्हें 7,000 से 8,000 रुपये वेतन का नुकसान हो रहा है। उसके खिलाफ आज बिहार के हजारों NIOA शिक्षक इस मुद्दे को लेकर के बिहार की धरती पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ हम लोग TT शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर के आज यहाँ पे यानी आंदोलनरत हैं। हमारी मांगे हैं कि हमें यानी कि जो महागठबंधन सरकार ने घोषणा की थी कि हम अपनी प्रथम कैबिनेट बैठक में ही शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करेंगे, समान काम समान वातन देंगे और उसके बाद हम यानी कि आपको राजकर्मी का दर्जा देते हुए पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हम उस वादे को याद दिलाने के लिए महागठबंधन सरकार माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को उनके वादे को याद दिलाने के लिए आज हम लोग पटना की धरती पर आए हुए हैं। कल शिक्षा मंत्री ने एक अनाउंसमेंट किया बजट सत्र के दौरान कि 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और यहाँ पर इस तरीके से बेईमानी की जा रही है, आपको लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? बिल्कुल, ये सरकार और विभाग हमारे साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रही है। जो शिक्षक 10 वर्षों से पीछे कार्यरत है उनके यानी सेवा को शून्य करके फिर से नवनियुक्त मानना कहीं से भी यानी कि सही नहीं कहा जाएगा। ये हम शिक्षकों के साथ बिल्कुल यानी अन्याय है। आपको लग रहा है कि आप लोग ये प्रदर्शन पे बैठे हैं अंदर यहाँ पे विधानसभा को आप लोग घेराव करने का सोच रहे हैं, तो इस तरीके से आपका ये जो मांग है वो पूरा किया जाएगा? बिल्कुल, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में एक ये धरना प्रदर्शन आंदोलन एक माध्यम होता है कि हम अपनी आवाज़ को इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुँचाने का कार्य करें। हमारे जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में विधान परिषद में बैठते हैं उनके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को वहाँ पहुँचाने और हम पिछले विगत 1 महीने से विभिन्न अपने पर यानी कि विधायक को MLC को भी घेरने का काम किया है, हमें उन्हें ज्ञापन देने का काम किया है और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराने का काम किया है और हमें उम्मीद है कि इस विधानसभा सत्र में ही हमारी समस्याओं पे कुछ विचार विमर्श होगा और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर लोग हैं वो बेगूसराय से हैं और ये लोग भी आंदोलन पे बैठे हैं, आप बताएंगे आप लोग किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं? हमें NIOA प्रशिक्षित शिक्षकों को जो 31 मार्च 2019 को जो प्रशिक्षण सरकार के द्वारा करवाया गया, सरकार टाइम टाइम पर फॉर्म भरवाया, एडमिशन लिया, परीक्षा ली और सरकार के द्वारा 31 मार्च 2019 से पूर्व पाठचर्या कंप्लीट किया गया, पुनः सरकार तुगलकी फरमान जारी करती है 22 में आकर कि आपको जो है नवनियुक्त माना जाएगा। आपने जो है प्रिंटिंग डेट से कह रहा है कि 22/5/19 जो है आपका परीक्षा फल प्रकाशन डेट है जो कि वह 22/5/19 प्रिंटिंग डेट है और सरकार ने 31 मार्च 2019 से पूर्व जो है पाठचर्या कंप्लीट कर लिया है, शिक्षकों ने कर लिया है, पुनः सरकार तुगलकी फरमान जारी करके शिक्षकों को नवनियुक्त मान रही है, पुनः वेतन काट रही है। इसके लेकर जब पेट पर सरकार लात मारती है तो शिक्षक जो है सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को विवश हो जाते हैं और हम लोग यही संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी जो तुगलकी फरमान सरकार के द्वारा आया है उसको जो है हम वापस करवाने के लिए गर्दनी बाग पटना में जो है 15 और 16 मार्च को हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
आप लोग विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, अंदर बजट सस्त चल रहा है, आपको लगता है कि इस तरीके से आप लोग जो आंदोलन पे हैं, ये आपका सक्षम मतलब सही रूप से ये कायम हो पाएगा? देखिए, सरकार के चौथे स्तंभ जो है मीडिया कर्मी होते हैं, और मीडिया कर्मी के माध्यम से हम अपनी संघर्ष को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाकर और सरकार हमारी मांगों पर विचार करे, और हमारी मांग जायज़ है, यह प्राकृतिक न्याय है कि हमारा बहाली 14 में हुआ तो हम 22 हमारा न्यू बहाली कैसे माना जाएगा। आप ही बताइए, एक विचार दीजिए कि हम जो है 14 में बहाल हुए, 13 में बहाल हुए, सरकार NIOS 19 में कराई और पुनः 22 में कहती है कि 22 आपका जो है नई नियुक्ति तिथि होगा। यह प्राकृतिक न्याय का घोर अपमान है। आपको लगता है कि सरकार आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी कर रही है, क्योंकि कल विधानसभा सत्र में शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर जी, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, और उसके बाद आप लोगों के साथ बेईमानी की जा रही है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि सही मायने में बेईमानी हो रहा है सरकार में? देखिए, ये चंद्रशेखर जी हैं, ये तो थे प्रोफेसर, लेकिन इनका जो बयान आता है कहीं ना कहीं दबाव में आता है। आपको एक पता होगा कि सरकार जो है नई नियमावली लागू करने से पूर्व जो है इन्होंने बहाली की बात कह दिए थे, उस समय मुख्यमंत्री ने इनको डांटा, फिर बात को इन्होंने वापस लिया। तो इनकी बात को कहीं कोई धरातल पर उतारने का काम नहीं करते, कहीं 3 लाख बहाली करने नहीं जा रहे हैं। आज देख लीजिए, 2003 से लेकर 3.5 लाख शिक्षक बहाल हुए हैं, और यह 2 साल में यह 3 लाख शिक्षकों की कैसे बहाली कर लेंगे? इनका नियमानुकूल इनका कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके कारण यह बहाली कर पाएंगे। ना धरातल पर इनका कोई कार्य है, और ना मैंने नियमावली ऐसा है कि यह 3 लाख शिक्षकों की बहाली 1 साल के अंदर यह कर लेंगे। कई बार जब बहाली की प्रक्रिया होती है तो एक बार नियमावली निकलता है, बहाली का डेट निकलता है, चर चर बार उसको बदला जाता है, फिर उसको बहाली की प्रक्रिया में आता है तो चर चर बार डेट बढ़ाया जाता है, इस प्रकार जो है समय खत्म हो जाता है। यह नहीं लगता है कि 3 लाख बहाली 1 साल के अंदर कर पाएंगे।